कुछ अलग है भाई सच में। चार पाँच दस हजार लाइक किसी बार में जाके तोड़ दो, लाइक का टारगेट तोड़ देने का आप लोगों, क्योंकि बोल दो भाई राइड करना मुश्किल नहीं भाई नाम के बाबा। हेलो एवरीबॉडी, सो भाई मिस्टर ऑफ द ब्लॉग बैक एंड टू न्यू अनदर वीडियो। तो आज है भाई संडे राइट मॉर्निंग, मैं 5 बजे ही उठ गया था, तो 5 o'clock ऐसा कुछ टाइम पे उठ के फिर फ्रेश अप होकर यहाँ पर आया। आगे नहीं कि थोड़ी देर से भी राइड स्टार्ट होने वाली है, ऑलमोस्ट मैं जल्दी आ चुका हूँ लेकिन अभी तक रजत नहीं आए। और एक 10-15 मिनट्स में हम लोग की राइड स्टार्ट हो जाएगी। मेक श्योर यू लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना अपडेट। और यहाँ से हमारी Z9 यहाँ से देख सकते हो चेकआउट कर रही। रात में हम लोग सर्विस कराए, सर्विस करा के पूरी गाड़ी एकदम साफ और नीट क्लीन दिख रही है। ये Insta360 ऑलरेडी हम लोग इंस्टॉल कर लिए। आज की रेड में बहुत मजा आने वाला है, काफी सारे बाइक्स भी ज्वाइंट होने वाले। और मैं कल ही सोचा था मेडिकल से कुछ एयरबड्स या फिर रुई कुछ कॉटन ऐसा लेके कार में डाल लेंगे करके, लेकिन रात में भूल गया भाई। रात के 3 बजे हो गए मेरे को सोने के लिए, ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करने के लिए अपलोड करा तो भूल गया भाई। आज फिर वापिस से मेरे कानों के लगने वाले और कुछ भी नहीं। आप इस वीडियो को कम से कम 4-5-10 हजार लाइक किसी भी हाल में जाके तोड़ दो, लाइक का टारगेट तोड़ देने का आप लोगों, क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे कर। बोल दो भाई राइड करना मुश्किल नहीं भाई नाम के द्वारा। इतने से सिर्फ 2 से 2.5 घंटे की नींद हुई मेरी, बस उससे ज्यादा नहीं हुई, अभी भी नींद आ रही लेकिन राइड करके सो जाने का हम लोगों। अपनी स्ट्रीट ये Z900 डायटोना, ये दो बाइकर्स और ये 900 अपनी, ये BMW 1000 आ रहा। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से संडे राइड स्टार्ट होने वाली है। फिलअप ऑलरेडी करा लिए, रेंज प्लेस तो बता रही है मतलब कितना हुआ, पेट्रोल मुझे भी नहीं पता, तो चलो देखते हैं कितनी जाएंगी। यहाँ से हम लोग निकल गए, यहाँ से आप लोग को राइड करने के लिए मिल रहा है। यहाँ से वापस से हमारे वही सेम स्क्वाड, 4 बाइक, काफ़ी सारे बाइक है लेकिन आज नए हुए जॉइंट। इरफान भाई के गाड़ी के क्या है जो हत्तर है ना, बहुत बुरा उछलते भाई, कैमरे पे कभी भी लग सकते हैं, अपना नुकसान हो सकता है इरफान भाई के पीछे रहते। क्रिस्टा और एक नेक्सॉन है। जब से हम लोग गाड़ी चला रहे, जब से रेसिंग कर रहे, मतलब अरे तुम्हारी ट्रक है तो तुम चला लो भाई, हम हमारे ट्रक से चल रहे कोने से, लेकिन जानबूझ के इधर आ रहे, बीच बीच में आने कर रहे भाई। अब कैसे लोग यार क्या बताए, दिमाग नहीं है छूते लोग को। अभी जरे में इरफान भाई के बाजू से निकला हूँ, आज पूरे बाइक एक साथ लेलिन में भाई। फिर भाई इरफान भाई, ये उदय भाई, ये हमारी गाड़ी, अब इसका नामकरण तुम तो तुम ही रखने वाले हो और कुछ नहीं। आज की वीडियो में आवाज़ कैसी आ रही बता दो। विंड स्क्रीन की आवाज़ तो आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं आ रही होंगी क्योंकि सेटअप हमने तो चेंज किया है। और जल्दी जल्दी मैं ग्लव्स पहनना भी भूल गया, मैं ग्लव्स तो बैग में रखे हुए, आगे जाके गाड़ी को रोक के ग्लव्स पहनेंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर लिए यहाँ से, डेस्टिनेशन हमारा 30 किलोमीटर्स तो ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका है ना, शायद मेरे ख्याल से 40-50 किलोमीटर डिस्टेंस बचा हुआ है, वो कंप्लीट करते हैं बस। आज लारी बहुत चल रहे भाई, टिप्पर लारी बहुत है, तो इसके हिसाब से क्या है गाइस, आज गाइस मौका ही नहीं मिल रहा गाड़ी को खींचे ऐसा, क्योंकि आज इतना ट्रैफिक है हर जगह से, लारी कार तो ऐसे टाइम पे क्या है, हम लोग ज़्यादा रिक्स नहीं लेते भाई, आराम से 70-80 बस, 120-130 उससे ज़्यादा नहीं जा रहे भाई। ट्रैफिक बहुत है आज, गाड़ियाँ बहुत है, आओ। अच्छा ये
गाइस अभी हम लोग का डेस्टिनेशन आ गया है यहाँ पर। अभी हम ये क्या फार्मर करान, ये कौन सी है? आ रहा है। अंडी कानों को नहीं ऐसा लगा लिया था। फाइनली गाइस अभी हम लोग यहाँ पर पिकअप पॉइंट ड्रॉप है, पिकअप पॉइंट गाइस। नाउ टाइम इज 7 o'clock, 7 बज रहे अभी। थोड़ी देर के लिए हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके, थोड़ी देर वेट करेंगे क्योंकि आज भाई ज़्यादा भाई खींच भी नहीं सके, इतनी हवा आ रही थी भाई, हवा भी और ऊपर से ट्रैफिक भी, हर जगह से लारी टिप्पर कार। ये हमारे इरफान भाई, उदय भाई, करण, अमित भाई, जुबैर भाई, दोनों भाई मीटिंग कर ले रहे बाइक लेने के लिए। सो गाइज यहाँ से आ गया हमारा ब्रेकफास्ट, खाने में हमारे साथ इडली, वड़ा, सांभर। यहाँ से काफ़ी सारे बाइक्स आके तो गाइस आज का कलेक्शन आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर है एक S1000 RR और सेकंड है S1000 RR और ये कावासाकी, ये कौन सी है? ये है ZX-NR कावासाकी। सो गाइस हम लोग का डेली का जो मतलब पॉइंट है ना रुकने का भाई, यही है हिल पार्क। यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये हाईवे, ये मेरे ख्याल से बेंगलुरु हाईवे है। तो यहाँ पर हम लोग डेली संडे मॉर्निंग राइड करते हैं, यहाँ पर मॉर्निंग 6-7 के आसपास पहुँच जाते हैं। यहाँ से देखो, चेकआउट करो, एक R1 और काफ़ी सारे बाइक्स है यहाँ पर आ गए। देखो ये कार आ रही, बाइक आ रही, क्या क्या स्पीड जा रहा है। अभी हम लोग गाइस डेटोना ट्रैम 675 चला रहे हैं, ये एकदम बहुत रेयर गाड़ी भाई, रेयर। ओ भाई ये गाड़ी का मजा कुछ अलग है भाई, सच में। मतलब ऐसा उठ रही जैसा पता ही नहीं चल रहा भाई। यही प्रॉब्लम रहता। गाइज अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, अभी हम लोग संडे का आज का व्लॉग आप लोगों को बताओ कैसा लगा है। आज काफ़ी सारे बाइक्स आके हैं, लेकिन आज जितने भी बाइक आए भाई पूरे बड़े बड़े मतलब S1000 RR कम से कम बहुत सारे आए भाई। S1000 RR को टक्कर देंगे क्या ये वाली, बोलो तुम लोग खाली। हमारी एक्सीडेंट हुआ भाई गाड़ी का, यहाँ से अपने राइडर्स आगे चले गए, अपन जलेली निकल गए।
यार ये बता दो यार कैसा भी कर गया वीडियो को पूरा बता नहीं कर 5000 लाइक कर दो भाई। राइड करना मतलब एक राइड में भाई हम लोग अभी देख सकते हो 70 से 80 किलोमीटर एक राइड हो रही है हम लोग की, सिर्फ जाने की और आने की मिला के पूरा भाई एक मेरे ख्याल से 160 ऐसा कुछ हो रही है। और हमारे जैसे 10K सब्सक्राइबर कम्प्लीट, जैसा 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं वैसा अपने को रेगुलर वीडियो डालने का है। बस आप लोग 10K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने का है बस किसी भी हाल में, और जितना हो सकेगा उतना कमेंट करके बताओ प्लीज़, क्योंकि जितना तुम कमेंट करेंगे उतना ये वीडियो रिकमेंडेशन में जाएगा। ट्रैफिक हम लोग को मिलना चालू हो गए बस, अब यहाँ से ट्रैफिक हम लोग को भाई कम से कम हैदराबाद तक ट्रैफिक ही ट्रैफिक रहने वाली है अब क्योंकि यहाँ का ट्रैफिक एरिया जो चालू हो गया है। थोड़ी देर पहले जहाँ अपने साथ वो हुआ था मतलब गाड़ी थोड़ा सा गिर गया सा हुआ था, तो वो हुआ क्या था मतलब जैसा गाड़ी क्या है मैं स्टैंड में करके सोचा गाड़ी उतर गया मतलब छोड़ दिया, जैसा छोड़ते एकदम गाड़ी मेरे आगे बैठ के एकदम गिर गई भाई। अच्छा हुआ गाड़ी को कुछ नहीं हुआ बस, मतलब मैं क्या सोचा स्टैंड लग के करके, लेकिन स्टैंड लग के नहीं था। कभी कभी ऐसा हो जाता ना भाई, सुबह उठ के था मैं थोड़ा मेरा माइंड नहीं चल रहा था गाइस हम लोग पहुंच गए आरामगढ़, अभी यहां से भी हम लोग को जाने का है फ्लाइट पे, यहां से हम लोग राइड को एंड करेंगे, थोड़ा सा यहां खींच लेंगे बस। ब्रिजों में खींचने का मजा है कि आवाज जितना है उससे डबल आती है बस, वो एक मजा अलग ही है, कानों को सुकून मिलता वो। अरे टोले खड़े हुए फाइनली गाइस संडे की राइड यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 9 बजने के टाइम पे आ गया है, ऑलमोस्ट काफ़ी सारा राइड्स हो गई आज, थोड़ा क्या है चेक पॉइंट ज़्यादा हुए, 2 से 3 मामू अलावा खड़े हो गए रस्ते में पकड़ने के लिए, लेकिन नहीं हुआ इम्पॉसिबल हुआ, फिर भी हम लोग सही सलामत हो गए। मेक श्योर यू लाइक शेयर सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन टर्न ऑन न्यू अपडेट। इस वीडियो को कम से कम भाई 5000 से 10000 किसी भी हाल में लाइक कर दो। और थोड़ी देर यहाँ पर बैठे हम लोग इरफान भाई हम लोग, तो गाइस मैं चेक करा तब हवा की आवाज़ इतनी आ रही थी बहुत आ रही थी, तो मेन बात क्या था वेदर में से कुछ नीचे से होल्स ओपन थे, तो नेक्स्ट वीडियो में इतनी भी हवा की आवाज़ इतनी भी नहीं आएगी। मैं पूरा अभी बैठ के सेटअप कर रहा हूँ, रात के 12-1 बज रहे तो पूरा सेटअप कर दे रहा हूँ, तो अभी इतनी भी हवा नहीं, सिर्फ बाइक की आवाज़ और मेरी आवाज़ दो ही आएंगी, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, नेक्स्ट वीडियो में से ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आप लोग को।